ये वीडियो मनोज दे के 10 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट होने की खुशी में बनाई गई है, क्योंकि उन्होंने अभी जीरो से स्टार्टअप करा था और आज उनके 10 लाख सब्सक्राइबर हो गए हैं। और पहली वीडियो जो आई थी उसकी भी बारे में हम बात करेंगे, पहले मनोज दे कैसे दिखते थे और अब कैसे दिखते हैं। नमस्कार साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मनोज दे यूट्यूबर। मनोज दे यूट्यूबर को मैं फॉलो कर रहा हूँ जब उनके चैनल पे 1 लाख सब्सक्राइबर थे और एक ये फोटो मनोज दे के शुरुआती दिनों का है, जब मनोज दे जीने पे बैठकर वीडियो बनाते थे। उनके पास ना तो अच्छा सेटअप था और ना ही अच्छा कैमरा था। और आज के टाइम की अगर वीडियो की बात करें तो मनोज दे के पास सेटअप भी है प्लस अच्छा ट्राइपॉड भी। मनोज दे ने हर चीज़ अचीवमेंट कर ली है, वो भी यूट्यूब के बदौलत। और इस वीडियो में हम मनोज दे के बारे में ही बात करेंगे। कैसे अगर आप फर्स्ट वीडियो देखोगे तो आप लोग कहोगे कि ये मनोज दे जो आज के टाइम पे 1 मिलियन यानी कि 10 लाख फैमिली हो चुकी है उनके यूट्यूब पे, प्लस 100 के 1 लाख फॉलोअर्स हो चुके हैं उनके इंस्टाग्राम पे, प्लस सेकंड चैनल पे 2.5 लाख सब्सक्राइबर हो चुके हैं। मनोज दे यूट्यूबर जो है वो छोटे से गांव से बिलोंग करते हैं और उनके अगर फर्स्ट वीडियो देखोगे, शुरुआती तौर पे मनोज दे का जो बैकग्राउंड था वीडियो बनाने का, ना तो उनके पास में ट्राइपॉड था अच्छा, ना ही उनके पास में कोई अच्छी जगह थी। आज उन्होंने बेशक अपना मुकाम हासिल कर लिया, अपना सेटअप हासिल कर लिया, लेकिन मनोज दे भाई के पास एक समय ऐसा था कि उन्हें जॉब के लिए अपना यूट्यूब वगैरह छोड़ के जाना पड़ा था जब उनका चैनल सस्पेंड हो गया था, क्योंकि हेलो फ्रेंड्स, तो आप लोग का वेलकम है इस मेरे नए न्यू चैनल पे। तो आप इस चैनल का नाम देख सकते हैं सेकंड चांस, इस पे आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन के एकदम जरूरी से दबा लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी और आप कोई भी मेरे वीडियोज को जो है मिस नहीं करेंगे, इंपॉर्टेंट वीडियोज को। तो फ्रेंड्स, अब मैं सीधे मुद्दे पे आता हूँ कि वो न्यूज क्या था। तो फ्रेंड्स, J5 और J7 2015 वाले मॉडल में जो है, आप लोगों को पता है कि नोगट अपडेट्स को लेकर बहुत ज़्यादा मतलब खिचपिच चल रही है और आप लोगों को बता दिया गया है बहुत सारा वीडियो पे कि इसमें जो है आप लोग उम्मीद छोड़ दीजिए, एकदम से नहीं के बराबर उम्मीद है कि आप लोगों को नोगट अपडेट नहीं मिलेगी, इस तरह का बहुत सारा वीडियो पे बताया गया है। पर फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को आशा की उम्मीद ये जगा देता हूँ कि इस मतलब मोबाइल पे आप लोगों को नोगट अपडेट मिलने की अभी भी उम्मीद जगी हुई है। ये इसलिए फ्रेंड्स, क्योंकि मैं याद कीजिए, मैं उस चैनल पे सबसे पहले एक वीडियो पे बताया था कि मेरे भैया जो है सैमसंग के मैनेजमेंट टीम के अंतर्गत काम करते हैं, तो उनसे मैंने कल बात किया नाइट पे कॉल करके, वो जो है दुबई पे रहते हैं, तो उसके कॉल किया तो उन्होंने कहा कि J7 2015 वाला जो मॉडल है और J5, उसमें अभी तक नोगट का अपडेट को लेकर कोई भी क्लियरली न्यूज़ जो है आउट नहीं हुआ कंपनी की तरफ से, बट उन्हें उम्मीद है कि आप लोग अपडेट मिल सकता है। और अपडेट मिलने की उम्मीद जो है लास्ट आप लोग कब छोड़ दीजिएगा वो भी मैं बता देता हूँ। नवंबर तक आप लोग 31 नवंबर या 30 नवंबर का जो मंथली होता है, तो उस लास्ट मंथ में नवंबर तक आप लोग वेट कीजिए अगर आ जाता। उनका भी एक बार ऐसा हुआ था कि चैनल सस्पेंड हो रखा है, मैंने उनके ऊपर एक बायोग्राफी बनाई हुई है, काफी पहले मैंने बायोग्राफी बना दी थी मनोज दे यूट्यूबर के ऊपर। अगर आप चाहते हैं तो बायोग्राफी देखना, तो आप लोगों को वीडियो के एंड में उनकी बायोग्राफी मिल जाएगी, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं मनोज दे यूट्यूबर का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मनोज दे भाई का जो बायोग्राफी का लिंक है मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगा। लेकिन 0 से 10 लाख का जो सफर है ना मेरे साथियों, वो आसान नहीं होता है, क्योंकि बहुत सारी कठिनाइयां आती हैं, बहुत सारी मेहनत आती है, बहुत सारी मेहनत लगती है, तब जाके 1 मिलियन की फैमिली कंप्लीट हो पाती है। आज जो मनोज दे भाई ने अपनी लाइफ में किया है उसके लिए उन्हें दिल से सलाम करता हूं। और हर एक यूट्यूबर को यह देखना चाहिए, हम पता है क्या गलती कर दें, छोटी सी हमारी गलती रहती है, हम गलती ये कर देते हैं कि थोड़े से व्यूज पाने के लिए हम दूसरे की वीडियो उठाते हैं, उस वीडियो को उठा के थोड़ी बहुत एडिटिंग करते हैं, एडिटिंग करने के बाद में वीडियो को अपलोड कर देते हैं। अपलोड करना ठीक रहेगा, लेकिन उस पर कॉपीराइट स्ट्राइक लग जाते हैं, स्ट्राइक लगने के बाद में जो हमारे चैनल के साथ होता है ना, वो आप सोच लीजिए, क्योंकि कॉपीराइट जब स्ट्राइक लगता है तो चैनल बिल्कुल डाउन में चला जाता है, जो हमारे हजारों व्यूज आ रहे होते हैं ना उससे डाउन में चला जाता है। लेकिन खैर, इस बात को छोड़िए, आज मनोज दे ने जो अपनी मेहनत से कामयाबी हासिल की है, उनको उन्हीं के लिए स्पेशल वीडियो बनाई गई थी और उनकी बायोग्राफी जो है मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। अगर आप लोगों को मनोज दे के बारे में ज्यादा जानना है, मनोज दे भाई कौन है, मनोज दे भाई कहाँ से है, तो उस वीडियो को जाके देखिए। और वीडियो अगर आप लोगों की लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है कि आप लोग अपनी बायोग्राफी चाहते हैं, कि आप लोगों की लाइफ में कुछ भी ऐसा हुआ है कि मैं आप लोगों की थोड़ी बहुत हेल्प कर सकूं, आप लोगों की ऊपर वीडियो बना सकूं, तो अपनी स्टोरी मेरे पास में शेयर कीजिए, नीचे कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करिए कि आप लोगों के साथ में क्या हुआ है, आप लोग लाइफ में क्या करना चाहते हैं, क्योंकि हर कोई अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ करना चाहता है। और ऐसे ही
अपना सपोर्ट बनाए रखिए, अपना प्यार बनाए रखिए, क्योंकि मैं फेस कैम बहुत कम वीडियो बनाता था, अब मैंने फेस कैम वाली वीडियो बनानी स्टार्ट कर दी है, क्योंकि मनोज दे भाई को देख के एक चीज का मोटिवेशन मिला है। जब तक इस चेहरे को हम सामने नहीं लाएंगे, तब तक हम भाई वायरल कहां से होंगे, फेमस कहां से होंगे। लोग इस चेहरे की कदर करते हैं, ना कि आपके पीठ पीछे होने की। पीठ पीछे तो इंसान के पीछे क्या क्या, कौन कौन क्या बोल जाता है, पीठ पीछे नहीं देखा जाता है। अगर आप में हिम्मत है, जज्बात है, तो आप लोग सामने आइए और अपनी फेस कैम वाली वीडियो बना के अपलोड कीजिए। आप एक ना एक दिन जरूर वायरल होंगे। और दूसरा एक चीज का ध्यान रखिएगा, अगर आप लोग दूसरे की वीडियो उठा के डालते हैं तो ये बिल्कुल गलत है। मैं तो यही कहूंगा कि आप लोग दूसरे की वीडियो उठा के ना डालें, जिससे आप लोगों के चैनल को खतरा हो। चैनल पे अगर खतरा आता है तो आप लोगों का जितना बना बन रहा है करियर है, 40,000, 50,000, 1,00,000 सब्सक्राइबर पानी में चले जाएंगे। इसके लिए आप लोगों के हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, आप लोग अपनी वीडियो बनाइए, आप लोग भी सक्सेस हो जाएंगे। क्योंकि मनोज दे भाई एक छोटे से गांव से बिलोंग करते थे, वो जब सक्सेस हो सकते हैं तो आप लोग क्यों नहीं, क्योंकि उन्होंने भी भाई जीरो से स्टार्ट करा था। आज उनकी जो फैमिली है वो 1,00,000 से ऊपर की फैमिली हो चुकी है, 1,000,000 से ऊपर की फैमिली हो चुकी है। मैं भाई के लिए दिल से कहना चाहूंगा कि वो ऐसी सक्सेस कामयाबी हासिल करते रहें। ओ बंदे मातरम, जय हिंद साथियों। वीडियो